नमस्कार, मैं हूं फरहान और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जिस तरह अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया है, लगता है फडणवीस भी अपना इस्तीफा दे देंगे। जिस तरह हमने देखा था शपथ ग्रहण करने से पहले कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी में एक गठबंधन को लेकर के बात चल रही थी और एक लंबा समय भी दिया गया था राज्यपाल द्वारा, लेकिन उस दौरान उनकी विचारधाराओं की वजह से या अन्य बातों की वजह से उनकी एक राय नहीं बन पा रही थी। एक मुख्यमंत्री पद के लिए किसी का नाम सामने नहीं आ पा रहा था। शिवसेना ने आज ठाकरे का नाम लिया था, लेकिन उसके नाम को गठबंधन दलों ने ही नामंजूर कर दिया और कहा कि नौसिखिए के साथ हम राजनीति नहीं कर पाएंगे और मुख्यमंत्री पद के लायक अभी नहीं है, उन्हें राजनीति में अभी और पकना पड़ेगा और एक्टिव रहना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान जो मैंने जो बयान दिया है शिवसेना के प्रवक्ता ने, संजय राउत ने, उन्होंने कहा है कि हम 24 घंटे में बहुमत दिखा सकते हैं, बहुमत साबित कर सकते हैं। तो इस संबंध में हम जानेंगे अमन जी से कि वह बहुमत में किस प्रकार साबित करेंगे जो एक महीने में साबित नहीं कर पाए। आखिर कौन सी ऐसे समीकरण बदल गए हैं, कौन सी ऐसी बातें सामने आ गई हैं कि अब एक दिन में ही, 5 घंटे में ही सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। अमन जी, हम जानना चाहेंगे कैसे संजय राउत को इतना भरोसा कैसे हो चुका है। बिल्कुल, और ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है। ये लगातार माथापच्ची का दौर चला है। तकरीबन आपने खुद वॉच किया, हमने वॉच किया, हमारे दर्शकों ने इस बात को वॉच किया, देखा कि लगभग महीने भर तक जो बंद कमरों मीटिंग का दौर चला है, चाहे एनसीपी की बात करिए, शिवसेना की बात करिए, कांग्रेस की बात करिए, लगातार दिल्ली भी आना जाना हुआ शरद पवार का एक दो बार, और लगातार ये बात भी हुई है कि लगभग अब सरकार बनने की स्थिति आ गई, लेकिन उसके बाद कांग्रेस का रुख कुछ और हो जाता है तो शिवसेना कुछ और कहती है तो एनसीपी किसी और बात को ही कहती हुई नजर आ जाती है। तो क्या अब ऐसा माना जाए कि अब जिस तरह की एकता दिखाई दे रहे हैं कि कल 162 विधायक आपके साथ में खड़े हुए, तो क्या ये माना जाए कि 162 विधायक आपके साथ हैं और आप सरकार बना रहे हैं और जो मुद्दों पर आप लड़ाई झगड़े कर रहे थे, यानी कि आपकी सहमति नहीं हो पा रही थी, क्या वो सहमति हो जाएगी और जो बंदरबांट की बात चल रही थी क्या वो खत्म हो जाएगा? तो ये पुल मिला जुला कर इसका है, वो जो मैं कहूँ डिसएडवांटेज है वो यही है कि लगातार जो तीनों पार्टियों में अपने अपने मुद्दों पर अड़ी रही हैं। और उससे महत्वपूर्ण एक बात आपको और भी याद होगी फरहान, की जिस तरह से सीएम पद को लेकर बात हो रही थी कि भाई हम जो है, हालांकि एनसीपी की तरफ से भी कहा गया ये बात कि शिवसेना को हम जो है मुख्यमंत्री पद दे देंगे, लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आई, यानी कि कल ही आपने खबर देखी हो, उसमें ये कहा गया कि भाई ढाई ढाई साल पे दोनों दल अड़े हुए थे, यानी कि शिवसेना भी और एनसीपी भी। तो ये क्या अब वो सब खत्म हो जाएगी रार, क्या वो सब अब खत्म हो जाएगा और एक मंच पे आकर तीनों जो दल हैं वो खड़े हो जाएंगे, और बिल्कुल क्या जिन मुद्दों के तहत आपस में अब तक खटास थी क्या वो खत्म हो जाएंगे? क्योंकि अब आपने देखा हो कि सारे दल एकजुट हुए हैं, वो एकजुट हुए बीजेपी के खिलाफ, लेकिन आपसी जो सहमति है, आपसी जो लगातार जो आपस में जो चीज़ों को लेकर परेशानी थी, दिक्कत थी, क्या वो खत्म हो जाएगी इसके बाद? क्या वो एक बार फिर सरकार बनने की पोजीशन में आ जाएंगे? क्योंकि लगा है तो इन्होंने तुरंत राज्यपाल को लिस्ट भी सौंप दी है कि हमारे पास इतने विधायक हैं, लेकिन क्या उससे पहले अगर वो आमंत्रित करते हैं सरकार बनाने के लिए, और अगर 3:30 बजे जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है देवेंद्र फडणवीस की, क्या वो अगर सीएम पद से इस्तीफा देकर सत्ता से हट जाते हैं, तो क्या ये माना जाए कि राज्यपाल अगर इनको बुलाते हैं सरकार बनाने के लिए तो क्या तीनों दलों में सहमति है, क्या तीनों दल एक मंच पाने को होंगे, और जिन मुद्दों के तहत आपस में असहमति है क्या वो सहमति में बदल पाएगी? इस तरह के तमाम मुद्दे अभी भी हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल बीजेपी के खिलाफ माहौल था, फिर ऐसा ना हो कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ माहौल बन जाए। जिन विचारधाराओं को लेकर के आपस में गठबंधन नहीं हो पा रहा, सहमति नहीं बन पा रही थी, कहीं ना कहीं वह पार्टी की विचारधाराएं नहीं थी, वह थी वोट बैंक की विचारधारा, जो वहां की जनता है उनकी विचारधारा। यदि कल के बाद सरकार बना लेती हैं, ये तीनों गठबंधन करके सरकार बना लेते हैं, तो क्या शिवसेना अपने उस वोट बैंक को कहीं पीछे छोड़ जाएगी जो अब तक उसकी मजबूती था? देखिए, मैं इस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन आपने एक शब्द यूज़ किया है विचारधारा, मैं ज़रूर इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा फरहान। ये विचारधारा का जो मामला है, तमाम पार्टियों का जन्म विचारधारा पर ही होता है और तमाम इलेक्शन जो लड़े जाते हैं विचारधारा पर लड़े जाते हैं। आपको याद हो तो यही बीजेपी है जो एनसीपी को बरबर गले दिया करती थी, मंचों से खड़े होकर अनाप शनाप शब्द यूज़ करते थे, घोटालेबाज, तमाम तरह की बातें, लेकिन जैसे अजीत पवार वो आते हैं और ये कहा जाता है कि उनके पास ऊपर 8-9 मुकदमे जो चलने वाले थे, मामले चलने वाले थे, वो खत्म हो जाते हैं। तो ये किस तरह की विचारधारा, किस तरह का ये लोकतंत्र, किस तरह की आप जो है सरकार का गठन करने जा रहे हो, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो आखिरकार जो सारे तिकड़म भिड़ा कर देख लिए, सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी अगर बात नहीं बनी तो आखिरकार अजीत पवार को आज इस्तीफा देना पड़ा, और ऐसा मान के चला जा रहा है कि शायद देवेंद्र भी आज शाम तक इस्तीफा दे दें, क्योंकि फिलहाल तो जो बहुमत की गुंजाइश थी वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो ऐसा होगा कि चलिए वापस चला जाए और जो है अपने जिद को छोड़ा जाए और सरकार में जो बैठ गए जबरदस्ती आकर उससे भी पीछे हटा जाए। तो कुल मिलाकर बात यही देखने वाली होगी फरहान की, अब जो खासकर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के पाले में जो गेंद आ गई है वो उसको किस तरह से करते हैं, क्या तीनों मिलकर गोल कर पाते हैं, क्योंकि लगातार उनके ऊपर निगाहें बनी हुई हैं कि आपस में जो असहमति थी
क्या वो अब सहमति में तब्दील हो पाएगी, और क्या जो पदों को लेकर या यूं कहें मंत्रालयों को लेकर जो तमाम आपस में खींचतान थी और तमाम कुछ मसलों को लेकर भी खींचतान थी, उसके ऊपर क्या सहमति बन पाएगी, और क्या अब दोनों दल यानी कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के सीएम को एक्सेप्ट कर पाएगी, बड़ा सवाल मेरे ख्याल से यही बनने वाला है। अंतिम सवाल के साथ हम इस कार्यक्रम का अंत करेंगे। ये सवाल बहुत ही आवश्यक सवाल है कि जिस तरह कल तक विधायकों में एक डर था कि कहीं उन्हें विधायक पद से कहीं उनको हटा ना दिया जाए, पार्टी सदस्यता ही उनकी खारिज ना कर दी जाए, और शरद पवार ने जिस तरह विधायक दल के नेता से अजीत पवार का नाम भी हटा दिया था, तो क्या अब शरद पवार उनको पार्टी से बाहर कर देंगे और विधायक दल जो विधायक थे मौजूदा उनमें भी एक सुकून मिला होगा उन्हें? बिल्कुल, और ये सब बड़ा उलझा हुआ सा मामला है, क्योंकि जिस तरह से अजीत पवार गए थे उनके साथ में कम से कम 36 विधायक होना चाहिए, तब उनको दल एक माना जा सकता था, लेकिन फिलहाल वैसे स्थिति बनती हुई नजर नहीं आई, इसीलिए मुझे लगता है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। खैर, अब जो वो इस्तीफा दिया है तो उसके बाद क्या स्थिति बनेगी, क्या एनसीपी उनको एक्सेप्ट करेगी, क्या चाचा जो शरद पवार हैं वो सारे गिले शिकवे भूलकर फिर अपना लेंगे, और क्या आने वाले दिनों में फिर एनसीपी का चेहरा बनते हुए नजर आएंगे अजीत पवार, तमाम सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल जवाब अभी शरद पवार और अजीत पवार के पास ही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह का एक बार फिर जो है महाराष्ट्र में एक नया बिगुल राजनीति का बज गया है, उसने तमाम तरह की फिर कयासों का दौर एक बार फरहान शुरू कर दिया है। बिल्कुल, यदि हम महाराष्ट्र की सियासत की बात करेंगे तो सवालों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि शायद समय बीत जाएगा, रात भी हो जाएगी और सवाल खत्म नहीं होंगे। जिस तरह अजीत पवार ने घर वापसी कर ली है तो देखने वाली बात यह होगी क्या शरद पवार उन्हें अपना लेंगे, विधायकों का डर भी कहीं ना कहीं खत्म हो गया होगा, आगे आने वाली सरकार क्या इन गठबंधन दलों की होगी, यदि होगी तो क्या विचारधाराओं से समझौता कर लिया है, क्या उनका वोट बैंक भी मान गया है, क्या वह विधायक टूटेंगे नहीं, कल तक जो छुपते हुए घूम रहे थे और उन्हें हासिल किया जा रहा था होटलों से, क्या उन विधायकों पर भी विजय पा ली है शिवसेना ने और एनसीपी ने, ये सारे जवाब आप तक आते रहेंगे और बहुत से सवाल उठते रहेंगे और हम आपके सामने इन सवालों के जवाब लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।